Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जमहूरियत के बगैर मुल्क तरक्की नहीं करेगा, ये बुनियादी बात है। अगर हम इसको समझ लें तो फिर ही मामला आगे चलेगा, क्योंकि जब भी अमलियत आई है मुल्क ने तरक्की नहीं की। जमहूरियत के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता, वज़ीरे आज़म का दो टोक ऐलान। कहा ये सब समझ लें तो अच्छा होगा, ये फैसला आवाम करें कि कौन हुकूमत में आएगा। जमहूरी अमल चलेगा तो ही खामियां दूर होंगी, आमरों ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वज़ीरे आज़म का कराची में कोल टर्मिनल के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। फैसला चंद लोग नहीं करेंगे, फैसला पाकिस्तानी कौम के मुकद्दर का किसी बंद कमरे में नहीं होगा। पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला अल्लाह की फजल और करम के बाद पाकिस्तान के 21 करोड़ लोग करेंगे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला बंद कमरों में चंद लोग नहीं आवाम करेंगे, बुरे लोग पार्लियामेंट और इदारे दोनों में हैं। ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में खिताब, ये भी कहा कि मकबूल क़यादत को मुल्क को आगे ले जाने की कीमत अदा करना पड़ेगा। मायूसी फैलाने वाले नाकबत अंदेश अनासिर की बातों में नहीं आएंगे। करप्शन ने मुल्क को नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंचाया, मगर नैब एहतसाब करने में नाकाम रहा। वजीरे आला पंजाब की तनकीद, कहा नैब अपना काम दयानतदारी और पसंद से बालातर होकर करे। अदलिया और फौज में एहतसाब के लिए उनका अपना निजाम मौजूद है। एहतसाब अदालत में पेश आने वाला वाकया मामूली नहीं, इदारे कमजोर होंगे तो रियासत कमजोर होगी। खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया, कहा आवाम की तरह आर्मी चीफ को भी मईशियत पर बात करने का हक है, अगर आर्मी चीफ को कोई गलत फहमी है तो हुकूमत दूर करे। आम आदमी को राइट है, ये तो आर्मी चीफ है क्योंकि ये सफर सालार है, इसको अगर मुल्क की मईशियत बेहतर होगी तो उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल है वो सेफ रहेगी। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर आज शाम 5 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बाजियाबी के लिए कोशिशों पर पाकिस्तानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पाक फौज के ऑपरेशन में बाजियाब गैर मुल्की खानदान की कनाडा पहुंचने पर गुफ्तगू, हुकूमत का आज खुशी मनाने का ऐलान। पाकिस्तान और उसके रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ महाजों पर पाकिस्तान के तावुन का शुक्र गुजार हूँ, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। लाहौर में खसूसी बच्चों पर तशद्दुद करने वाले दोनों बस कंडक्टर्स के खिलाफ थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज। मुकदमा मुतासरा बच्चों के वालिद की मुदैयत में चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दर्ज किया गया। स्कूल का सरबरा भी मुअत्तल, बच्चों पर तशद्दुद उन्हें जराइम की तरफ रागिब करता है, मार के बजाय प्यार से काम लेना चाहिए। मुतासर बच्चों के वालिद की आज न्यूज से बातचीत। बच्चा जो मैं रात वाले दिन घर आया दोपहर को, तो उसने बोला कि मेरे साथ आज बस कंडक्टर ने बहुत जुल्म किया है। टीवी पे जब मैंने देखी ये सारी फिल्म तो मैं खुद देख के बहुत हैरान हुआ किसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। कराची पुलिस की काली भेड़े बेनकाब होने लगी, चाकू मार को पकड़ने की आड़ में एहलकार अपनी जेब गर्म करने लगे। थाना अजीज भट्टी में रिश्वत वसूली का इंकशाफ, एसपी ऑफिस रिश्वत वसूली के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रिश्वत देकर रिहा होने वाले शख्स ने भांडा फोड़ दिया, कहा 20 लाख रुपए की अदायगी के लिए 3 घंटे का वक्त दिया गया। अदम अदायगी पर संगीन नौयत के मुकदमात की धमकी मिली। एसपी साहब ने ऑर्डर कर दिया, 10 मिनट का टाइम है, अगर आप पेमेंट करते हो तो ठीक, ठीक नहीं करते तो हम आप एफआईआर कराते हैं, और प्लस आपको खास तौर पर बोला मैं 2 किलो चरस और पिस्टल में बंद करूंगा। कराची में घरेलू झगड़े पर बेटों ने मुबैना तौर पर सगे वाहिद को कत्ल कर दिया, पुलिस ने 3 बेटों और उनके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया, मुल्जिमान का एतराफ़ जुर्म। सरगोधा में जुनूबी पहाड़ी से पत्थर तोड़ने के दौरान गिरकर एक और मेहनतकश जां बहक, एक माह के दौरान इस पहाड़ी से गिरकर 15 मजदूर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इलाज के बजाय 13 रोज से हड़ताल पर, 2000 से ज्यादा ऑपरेशन मुलतवी, मरीज इलाज मुआवजे से महरूम, जिम्मेदार कौन?
कोयटा के सरकारी अस्पतालों में भी मसीहाओं के रोज 2 घंटे तक हड़ताल जारी, लाचार मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। खबर पख्तूनख्वा की कॉलेजेस में असातिज़ा 5वें रोज भी इनकी रोशनी फैलाने से इनकारी, मुतालिबात की मंजूरी तक तदरीस मुअत्तल, तलबा परेशान। काकोल अकेडमी में पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड तकरीब, मेहमान खुसूसी बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर निकोलस पैट्रिक कॉटन ने आला कारकर्दगी के हामिल कैडेट्स को एजाजी शमशीर से नवाजा। कश्मीरियों पर भारतीय फौज के मजालिम का सिलसिला जारी, पलवामा में नाम निहाज सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया, एहतजाज करने वाले अफराद पर भी लाठीचार्ज।